सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 के भी पार पहुंच चुका है। दिल्ली की जो हवा है उसमें जो जहर जो घुला है, सबसे जो परेशान ज़्यादा होते हैं बुजुर्ग और जो बच्चे होते हैं। लेकिन ये जो प्रदूषण है इसका मुख्य कारण क्या है? बताते हैं कि पराली जलाना इसका मुख्य कारण है, लेकिन दिवाली के बाद हुआ है तो पटाखे भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। यहाँ कुछ लोग हैं, बिजवासन विधानसभा है ये, यहाँ लोगों से जानेंगे सबसे पहले तो प्रदूषण का मुख्य कारण वो क्या मानते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। अंकल जी, ये प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है, हवा में बिल्कुल जहर घुल गया है, क्या कारण है इसका? इसका पराली है, पराली जलाना है। आपको नहीं लगता कि दिवाली से जो पटाखे जलाए गए हैं ये भी मुख्य कारण हो सकता है? पटाखे छूटे को ना, अब की बार कम छूटे, बहुत कम। अभी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने O1 जो स्कीम है वो लागू की है, पिछली बार भी की थी। बहुत अच्छा किया। वाहनों से 40% प्रदूषण फैलता है, फर्क पड़ा है। हाँ जी, पिछली बार जब किया था O1 तो क्या कुछ फर्क हुआ था? पिछली बार भी फर्क हुआ था। लेकिन बाकी पार्टियों का कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, कहीं ना कहीं अभी जो चुनाव नजदीक है तभी ये क्यों लागू किया? ये तो एक दूसरे की टांग तो खींचे ही है। आपको, लेकिन आप सहमत है? हाँ बिल्कुल। चलिए, कोई परेशानी नहीं आती? कोई परेशानी नहीं। और भी यहाँ पे लोग मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? राजेश। राजेश राणा। जो ये बढ़ता प्रदूषण है उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने O1 स्कीम लागू की है, क्या मानते हैं? वो बढ़िया, गाड़ी कम निकलेगी और डेली कोई लेकर गाड़ी ना आ जा बगैर काम, कई वाहियात घूमते रहते हैं तो अच्छा है। तो मतलब अच्छा है, आपको लगता है कि इससे प्रदूषण कम होगा? हाँ होगा, फर्क तो पड़ेगा। लोगों को कोई मुश्किलें आएगी? मुश्किलें क्या आएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करो। तो आप इससे सहमत है? हाँ। पिछली बार जब O1 लागू किया गया था क्या कुछ परेशानी कम हुई थी? परेशानी यही था, पॉल्यूशन में फर्क पड़ा है कुछ तो, इस टाइम आगे कुछ तो पराली वगैरह जलती है कुछ इससे। बाकी पार्टियां जो निशाना साध रही है कह रही है कि पॉलिटिकल स्टंट है, उस पर क्या कहेंगे? इससे पॉलिटिकल स्टंट क्या होगा इसमें, ये तो सभी के लिए अच्छा है पोल्यूशन का। बिल्कुल सही, इनका कहना है कि जो पराली जलाना है इसका मुख्य कारण है। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि अरविंद केजरीवाल ने जो एक कदम उठाया बिल्कुल सही है, इससे प्रदूषण बहुत ही कम हो जाएगा। और लोग यहाँ पे, उनसे जानेंगे। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ कुछ राजनीतिक चर्चा हो रही थी तो हमने O1 का ये पूछ लिया कि O1 से वो कितने सहमत है। अंकल, प्रदूषण के लिए आपने ये लगाया हुआ है? ऐसा है, प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मतलब जो है ना कंट्रोल करने में लगे हुए हैं केजरीवाल साहब, वो कर रहे हैं। O1 भी किया है और पराली पर भी रोक लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब नहीं लगता कि पराली जो मुख्य कारण जो मानी जाती है, कि किसानों को उसका कोई और समाधान देना चाहिए? उसमें समाधान हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर उसमें समाधान मतलब उसको ऐसे कैसे जुताई करके अगर वो करेंगे तो उसमें बुआई नहीं हो सकती। अगर किसानों को इसका जो पराली जो होती है उसको काटने का, नष्ट करने का साधन दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया है, वो तो सबसे बढ़िया है। अगर नहीं लगता, सरकार को ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी, पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये काम तो करना चाहिए, एक भाई उस पर रोक लगे और जो है ना किसानों को राहत मिले। अब जो ये O1 लागू की है अरविंद केजरीवाल ने, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत बढ़िया काम है, इससे काफी फर्क पड़ेगा और जो है ना राहत मिलेगी लोगों को। हाँ, फिर दूसरी बात ये है जो केजरीवाल साहब ने ये मास्क स्कूलों में ये वो मतलब हर एक डिपार्टमेंट में भेजे हैं, ये बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ जी, ये मास्क आप भी वहीं से लेके आए हो? हाँ जी, ये बच्चे लाए स्कूल से मेरे लिए, आपके लिए। हाँ जी, तो प्रदूषण से राहत मिलती है इन मास्क को? हाँ, इससे काफी फर्क। अभी 2 दिन के स्कूलों की छुट्टी दी गई हुई है, वो, क्या लगता है, वो, 2 दिन में प्रदूषण कुछ कम होगा? मतलब आज काफी अंतर है, आज काफी कम है प्रदूषण, आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। काफी तजुर्बा है अंकल, आप बुजुर्ग हो, काफी तजुर्बा है, कई सालों से देखते आ रहे हैं यही मौसम पराली जलाना, क्या पहले भी ऐसी पराली से इतने प्रदूषण? ऐसा है, पहले दिवाली पे इतना प्रदूषण हो जाता था, अकबरदास से बाहर होता था, लेकिन अब की बार आधे से कम रहा है, इसलिए 2-3 दिन में ये छट चुका है। अब मतलब आज के दिन बहुत कम है। हाँ, मतलब पराली तो मतलब काफ़ी दिन से चल रही है, लेकिन गाड़ियों का ये सारा सिस्टम जो चल रहा है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, जो है ना गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होगी
एक गाड़ी में सिंगल आदमी चलता है तो कितनी गाड़ियां हो जाएंगी, तो उनसे काफी प्रदूषण। बाकी जो राजनीतिक पार्टी है उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। नहीं, इसमें मतलब जो है ना राहत देने के लिए ये काम किया जा रहा है, बहुत बढ़िया काम है, हम उससे सहमत है। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग है सहमत नजर आए इनसे जानते हैं, आपको क्या लगता है? ओडीवन ठीक है जी। अभी आज आप कहीं गए? हाँ गया था आज, रोड में ट्रैफिक भी बहुत ही कम था। और आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, ओड या फिर इवन? मेरी तो स्कूटी है जी। अच्छा स्कूटी है। हाँ जी, आज मैंने ट्रैफिक रोड पे नहीं देखा था, काफी अच्छा लगा। तो प्रदूषण को तो से तो निजात मिला ही, लेकिन ट्रैफिक से भी? हाँ जी। सराहनीय है इनका ही काम। हाँ जी। पिछली बार किया था तो क्या कुछ राहत मिली थी? राहत ट्रैफिक में भी हुआ था और पोल्यूशन में भी राहत जी। एक अंकल इनसे भी जानते हैं, आपको क्या लगता है ओडीवन से कितना फायदा मिलेगा? ओडीवन से बहुत फायदा मिला है, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं रोड पर रहता और प्रदूषण भी नहीं फैलता। क्या प्रदूषण कम होगा? कम होगा, प्रदूषण ज्यादा कम, आज फर्क है, कल ज्यादा था आज कम होगा, कल और कम। अब की बार जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, सभी अपनी बातें कर रहे थे, उसके साथ ही मैंने भी इनसे बात की कि ओडीवन पर क्या कहेंगे, तभी इन्होंने ओडीवन के बारे में तो बताया ही, साथ ही अरविंद केजरीवाल के इस काम की भी काफी सराहनीय की। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत पाएंगे? हाँ जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे, फुल बहुमत से आएंगे। फुल बहुमत से आएंगे। कांग्रेस की सरकार थी पहले, अब आम आदमी पार्टी सरकार आ चुकी है, तो क्या कुछ काम में बदलाव हुआ? काफी बदलाव हुआ है, लोग बागों को बिल माफ कर दिया, किराया माफ कर दिया और काफी काम करे, सुधार हुआ है, ये स्कूलों के भी सुधार हुआ, काफी अच्छा काम हुआ है सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल। अंकल जी जानते हैं कि इस बार कितनी सीट ले पाएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी 50 से अप जाएगी। 50 से अप जाएगी, तो पहले से घटाई मतलब घटावट पे क्यों आएगी? मतलब ऐसा है ना, विरोधी पार्टियां जो है ना जो सक्रिय हो गए, फिर उनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन मतलब सरकार केजरीवाल की बनेगी। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे लोगों ने बताया कि ओडीवन के बारे में, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस बार दिल्ली में कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी राज करने वाली है। ओडीवन का फैसला यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही बताया, सहमत है इस फैसले से। उनका कहना है कि इस फैसले से जरूर प्रदूषण से राहत मिलेगी, लोगों को निजात मिलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।